सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं शिफ्ट हो गया हूँ इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में ये मेरा पहला ब्लॉग है। और इलाहाबाद में मैं 2-3 दिन पहले ही शिफ्ट हो गया था, और यहाँ मैं अकेले रह रहा हूँ, और यहीं से मैं अपनी UPSC की तैयारी शुरू कर रहा हूँ। तो अब फ़िलहाल अभी तो मैं गया था पानी लाने और चाय पीने, क्योंकि यहाँ अभी मेरे रूम पर सब सामान आ गया, लेकिन मैंने चीनी नहीं लाया था। तो मैं बहुत दिनों से मतलब फैमिली और फ्रेंड्स के बिना रहा नहीं हूँ, तो यहाँ मुझे रहना पड़ रहा है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। और आज धनतेरस है, 2 दिन बाद दिवाली है, तो सोच रहे हैं घर जाने को, लेकिन सोच रहे हैं 12 को दिवाली है तो 12 को ही घर जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि मुझे घर जाने का मन कर रहा है। तो हो सकता है मैं आज ही धनतेरस के दिन ही शाम को घर जाऊँ, या फिर कल सुबह जाऊँ। और मैं इलाहाबाद में तेलियरगंज में रहता हूँ। तेलियरगंज चौराहे से थोड़ा अंदर आना पड़ता है गली में, वहीं मैंने रूम लिया है और मैं वहीं रहता हूँ। रूम का रेंट है 2000, जो कि यहाँ 2000 में काफ़ी अच्छे रूम्स मिल जाते हैं आपको, और सारी सुविधाएं भी मिलती हैं आपको उसी में। बिजली बिल भी इंक्लूड होता है, पानी भी इंक्लूड होता है, सेपरेट टॉयलेट बाथरूम भी मिल जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ भी मेरा मन कम लग रहा है, क्योंकि अभी मैं नया शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अभी मैं पहुँच आया हूँ अपने रूम, और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बस मैंने ये बताने के लिए शॉर्ट ब्लॉग बनाया था, मिनी ब्लॉग। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं तो आ गया हूँ मेरे रूम, एक मिनट चाहिए। सो ये है मेरा रूम, एज यू कैन सी दैट, सिंगल ताले तो दिखाएं आपको पूरा रूम। तो ये है मेरा रूम, और ये है मेरा बेड, यहाँ पर मेरी बुक्स रखी हुई हैं, इधर भी इधर भी, और यहाँ पर मेरी किचन की सामग्री रखी हुई है, ऑयल, नमक, आटा, पोहे, मैदा, देसी घी, मूंगफली, चने, और इसके नीचे वाले में मेरे बर्तन हैं, और इसके नीचे चावल, आलू वगैरह रखे हुए हैं। और इस साइड आप देखेंगे, इस साइड मेरा गैस रखा हुआ है, इधर मेरी स्टडी टेबल, उधर गैस सिलेंडर, और ऊपर मैंने रखा है अपना बैग, यहाँ टंगे हुए हैं मेरे मेडल्स, पूरे 4 मेडल्स, जो कि मुझे क्लास 11, 12, 10 में मिले थे। तो बेसिकली ये है मेरा रूम, और ये है मेरे रूम की मंदिर, और ये है एक छोटा सा क्यूट सा सॉफ्ट टॉय। यहाँ रखी है मेरी नोट्स UPSC की, बहुत सारी UPSC की किताब्स। तो बेसिकली ये है मेरा रूम, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ रह के, सब ठीक ही है, बस मन कम लग रहा है, लेकिन मन लगाना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको आगे भी अपनी जानकारी देते रहेंगे, सब्सक्राइब करिए एग्ज़ाम लोग को, एंटिक अनुज चैनल को, सॉरी अनुज ब्लॉग्स, क्योंकि मैंने उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, एंटिक अनुज के स्थान पे अनुज ब्लॉग्स कर दिया है। तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।